जय जगन्नाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री जगन्नाथ, आप और आपका परिवार का भला करें। मैं दिलीप कुमार पलाई आपका स्वागत करता हूं और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और एक ग्रेट लर्निंग। दोस्तों, आपको तो पता है हमारा जिंदगी में हम जो कुछ बोलते हैं, हमारा शब्द, हमारा वर्ड, ये तो बहुत बहुत पावरफुल होता है। कहाँ कुछ भी अगर कुछ क्वारल होता है या पीस होता है, सब ये वर्ड के वजह से होता है। और ये वर्ड्स जो है वो इतना पावरफुल है, अगर हम उसको ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे, जब हम बोलते हैं अगर उसको कंट्रोल करके बोलेंगे तो हमारा ज़िंदगी बहुत पीसफुल होगा और हम भी धीरे धीरे सक्सेसफुल पाथ के ओर चलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। और ये जो वीडियो है, आज मैं कुछ जो आज का ज़माने में बहुत बहुत जो ग्रेट पर्सन्स लाइक यू नो बिल गेट्स, मोहम्मद अली, विवेकानंदा, आपको तो सब पता है, ये इन लोगों के बारे में पता है, ये तो सब क्या है, ग्रेट ग्रेट पर्सन है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनका जो कोट्स है, वो लोग जो ऑलरेडी बोले हैं, तो वो शब्द जो है ना बहुत पावरफुल है। अगर ये शब्द और ये कोट्स अगर हमारा ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको पता है जो हमारा बिल गेट्स, आप तो पता होगा आपको, तो बिल गेट्स ने बोले थे, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। आपको दूसरे के साथ आपको कंपैरिजन मत करो। हम जनरली दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। ऐसा करने के बाद क्या होता है, हमारा ज़िंदगी में दुख ही दुख आता है, ओनली सैडनेस। कंपैरिजन गिव्स अस पेन, क्योंकि भगवान ने सब लोग को ऐसा बनाया है कि सब लोग भगवान की सृष्टि में यूनिक पीस है। आप ये सृष्टि में यूनिक हो, स्वतंत्र हो, आपके पास ऐसा असाधारण शक्ति हो, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। और ऐसे कंपेयर करते करते हम हमारा यूनिकनेस जो है हम भूल जाते हैं और हमको सक्सेस नहीं मिलता और ज़िंदगी हम जैसे चाहते हैं ऐसा नहीं जाता है। कितना बढ़िया कोट है ना, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। और बिल गेट्स की और एक भी बढ़िया कोट है, वो जो कोट है कि आपका जन्म यदि गरीब घर में हुआ है, मीन्स पुअर फैमिली में हुआ है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मरने के टाइम में आपको गरीब रहना नहीं चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब देखो, जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होता है ये हमारे हाथ में नहीं है, किसी रिच फैमिली, पुअर फैमिली, किसी भी फैमिली, कहाँ भी कंडीशन, कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जन्म होने के बाद हमारे हाथ में ये होता है कि हम हमारा बुद्धि, विवेक, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, ये करके हम हमारा ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, सही है ना। तो इसलिए वो बोले हैं कि अगर गरीब हो के जन्म होना कुछ दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब हो के मरना ये तो कुछ बात है, उसका मतलब हम हमारे के ऊपर कुछ काम नहीं किए। तो ये रहा दो कोट्स फ्रॉम बिल गेट्स। आपको पता है हमारा जो भारतवर्ष का स्वामी विवेकानंद जी, वो क्या बोले थे, वो बोले थे जो सफलता है, सक्सेसफुल लाइफ, इतना इजी नहीं है, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। और ये सक्सेस का पाथ हमको ही ढूंढना है, और कोई नहीं ढूंढेगा, इसके लिए हमको ही खुद अपने लिए रास्ता बनाना है सक्सेस के लिए। ये तो बहुत बढ़िया कोट है कि एवरी यूथ पर्सन, यंग पर्सन, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमारा ज़िंदगी हमारा हाथ में है, हमको ही रास्ता बनाना है सक्सेसफुल का पाथ। और आपको दोस्तों पता है जो अमेरिका के ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली, वो क्या बोले थे, वो बोले थे कि जो हार्ड वर्क, वो बोले
जो क्या होता है हमारा जिंदगी में, अगर हार्ड वर्क, हार्ड ट्रेनिंग, ये तो बहुत कष्ट होता है। आपको तो दोस्तों पता है, अगर कोई पर्सन मॉर्निंग टाइम में जिम जाता है, कुछ करता है, उसको पता है ये बहुत कष्ट है। ये ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान है, लेकिन वो डेली करता है। मोहम्मद अली ऐसे ही बोले थे कि हमारा आज का मेरे हाथ में क्या है, कष्ट करना और हार्ड वर्क करना, जितना भी कष्ट हो लेकिन हार्ड वर्क करना और सक्सेस की तरफ धीरे धीरे जाना। आज मेरे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क करना ही मेरे हाथ में है, और कुछ है क्या? नहीं। लेकिन जितना भी कष्ट हो, धीरे 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 हम डेली बेसिस में वो काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा और जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है आप डेली देखना और ऐसे कोट्स जो है अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ताकि हमारा ज़िंदगी भी सक्सेसफुल पाथ में धीरे धीरे चला जाएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।